कहा जाता है कि आस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं और जहां सवाल हो वहां आस्था खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मन्नत और आस्था के नाम पर 153 सालों से चली आ रही गाय गौरी परंपरा है। जिले में 30 से अधिक स्थानों पर गाय गौरी का पर्व नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा में गाय और ग्वालों के बीच विश्वास और प्रेम का जो अटूट रिश्ता होता है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। हालांकि इस बार ग्रहण होने की वजह से यह पर्व दीपावली के एक दिन बाद बुधवार को मनाया गया। मान्यता है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए ग्वाले गायों को तालाब पर लेकर जाते हैं और वहां नहलाते हैं। इस दौरान गायों को मोर मुकुट हल्दी मेहंदी कुमकुम से सजाकर तैयार किया जाता है। बड़ी संख्या में गाय गौरी का पर्व देखने के लिए श्रद्धालु जमा होते हैं। अब आप इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पर्व के दौरान मैदान में लेटे मन्नतधारियों के ऊपर से सैकड़ों गायों को आतिशबाजी से डराने की आवाज निकाल कर दौड़ाया जाता है। सैकड़ों की संख्या में मन्नतधारियों के ऊपर से गाय निकलती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है, एक खरोंच तक नहीं आती है। यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों की मान्यता है कि गाय के पैरों के नीचे बैकुंठ होता है। मन्नतधारी अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए घर में सुख समृद्धि के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए ऐसी मन्नत लेते हैं। तहसील के अंदर गाय गौरी गिरती है और हमारे पिताजी के पिताजी भी गिरते गए, उस समय से हम भी बस ये माताजी से हाथ लगा के बैठे हुए हैं। और हमारे पिताजी के समय तो करीबन 2000-1500 गाय गुजरती थी और अभी तो इस परिस्थिति में कि 100 गाय लगभग हमारे युवा के ऊपर गुजर के निकलती है। मैं भी 5 साल गिरा हूँ, इस साल नहीं गिरा हूँ, मैं अगले 5 साल से मैं प्रयास करते आ रहा था और मैंने अगले साल पूछ दिया माता जी को और जो भी धार्मिक हमारे मन के अंदर आस्था थी वो पूरी पूर्ण कर दी। अरे इसमें इस माता जी पे जो भी हम भावना रखते हैं कि ये मेरा सफल हो जाएगा, कुछ नौकरी लग जाएगा, कुछ मैं बेरोजगार हूँ तो मेरा बेटा लग जाए, ऐसा कुछ भी लोग मतलब ऐसे सोच के गिरते गाय गौरी, इसके लिए हम माता जी से आस्था लगा के रहते हैं। सर गोवर्धन पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी की हमारे परंपरा अनुसार, और अमावस्या के दूसरे दिन लोग सब मिल करके इस नवतन वर्ष को गाय गौरी के रूप में मनाते हैं। गाय गौरी का मतलब ये होता है कि गायों को जो मन्नतधारी जो 5 दिन तक संलग्न घर से बाहर रहते हैं और कुछ 2-5 किलो शराब महुए की शराब बनाते हैं, महुए की शराब बनाने के बाद में उससे उसकी पहले गोवा पूजते हैं। गोवा मतलब जहाँ पर गाय निकलती है, गाय के और फिर जो मन्नतधारी होते हैं वे गाय के नीचे सोते हैं और गाय आती है, उनसे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जो उनकी मुरादें होती हैं, जो मन्नत देते हैं जो मुरादें होती हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये लगभग हमें देखते देखते मुझे लगभग 70 साल हो गए हैं, 70 साल से हम लोग मना रहे हैं और इसके पूर्वज भी हमारे मनाते आ रहे हैं और इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं।